हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिरोज, आपका अपना चैनल। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर दीजिए। बाद में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे ही हमारे चैनल पे एक नया वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और इससे आप हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड मोबाइल रिपेयरिंग के काफी सारे वीडियोस आते हैं, जिससे आपको मोबाइल रिपेयर करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या आपको मोबाइल के फॉल्ट को फाइंड करना नहीं आता है? क्या आपको ट्रेसिंग करने नहीं आती है? अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम समझ में नहीं आता है, अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आता है तो आपको उसकी लाइन ट्रेस करनी नहीं बनती है, अगर आपको ये नहीं पता है कि उसमें कौन सी I2C लाइन है, SPI लाइन कौन सी है, उसमें प्रोटोकॉल जो चल रहे हैं अभी प्रोटोकॉल के बारे में नहीं मालूम है, या फिर आपको ये नहीं मालूम है कि VREC जो लाइन होती है, LDO से जो लाइन आती है वो कौन सी लाइन है, क्या आपको ये नहीं पता कि VPH लाइन कौन सी है, क्या आपको VBAT लाइन नहीं मालूम हो रही है, चार्जिंग AC के इनपुट आउटपुट नहीं मालूम हो रहे हैं, पावर AC के आउटपुट नहीं मालूम हो रहे हैं और बक लाइन के आउटपुट नहीं मालूम हो रहे हैं कि क्या बक लाइन में वोल्टेजेस चल रहे हैं, पावर की के ट्रेस करने नहीं आ रहा है, लाइट सेक्शन बनाने नहीं आ रहा है, चार्जिंग सेक्शन बनाने नहीं आ रहा है, ग्राफिक सेक्शन बनाने नहीं आ रहा है आपको। तो दोस्तों, यहां पे मैं लेके आया हूं एक ऐसा टूल। आज मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो अभी Level 2 और Level 3 के टेक्नीशियन हैं उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, जो कि अपने आप को फ्रेशर मानते हैं या थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट फाइंड करने में आपको दिक्कत आ रही है, ट्रेसिंग करने में दिक्कत आ रही है, सप्लाईयों की लाइन की आपको नॉलेज नहीं है। तो ये जो स्कीमेटिक डायग्राम आज मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, आपको बहुत हेल्प होने वाली है इससे और इससे आप बहुत सारे मोबाइल रिपेयर कर पाएंगे। और ये सॉफ्टवेयर ज्यादा महंगा नहीं है, दो लोग इसको लेके यूज कर सकते हैं, अलग अलग PC में, अलग अलग अपने कंप्यूटर के अंदर दो लोग अलग अलग मिलके इसे परचेस कर सकते हैं। ये 5,000 के आसपास आपको मिल जाएगा, तो एक बंदे को ये 2,500 रुपए में मिलता है, यानी 2,500 रुपीज में आपको ये मिलेगा और दो लोग मिलके अगर लेते हैं तो वो 5,000 रुपए के आसपास मिल जाता है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आप 2-3 मोबाइल भी अगर इससे रिपेयर कर लेंगे तो आपके ये 2,500 रुपए आपके निकल जाएंगे। आपने देखा है कि बहुत अच्छा टूल है, इसके अंदर पूरी सप्लाईयों की नॉलेज है, पूरी लाइन कहां से ट्रैक कहां से आउटपुट है, कहां पे इनपुट है, लाइन की सप्लाई की नाम तक इसमें दे दिए गए हैं, I2C लाइन है या फिर आपकी +5 बन रहा है, -5 बन रहा है, VSN बन रहा है, VSP बन रहा है या फिर IO लाइन है, क्या है 1.8 VCC, VCCQ है या RAM के 1.2 वोल्टेजेस है, क्या है, सब कुछ इसमें दे दिया गया है लाइन के साथ, वोल्टेजेस के साथ और उसके रेजिस्टेंस के साथ इसमें दे दिया गया है। बहुत अच्छा है। और इसके अंदर आपको एक और चीज है दोस्तों, हार्डवेयर सोल्यूशन तो है ही है, ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, तो डायरेक्ट सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये स्कीमेटिक जरूर आप परचेस करिए, जिसके बारे में मैं अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, इसके साथ साथ उन्होंने इसमें स्कीमेटिक डायग्राम भी दिए हैं, बहुत सारे इसमें स्कीमेटिक डायग्राम ऐसे दिए हैं, चाहे MI के ले लो, Redmi सीरीज हो गए या Samsung के हो गए या Oppo, Vivo के, Realme, A3s मोबाइल, जिसका स्कीमेटिक डायग्राम बड़ी मुश्किल से शायद ही आपको परचेस करने पे मिल जाए, इसका डायरेक्ट इन्होंने सोल्यूशन दिया है इसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा टूल है, इसे जरूर परचेस करिए, कहीं से भी परचेस करिए, किसी के पास से भी करिए। अगर आपको ये टूल परचेस करना है तो मैं नीचे आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा ZX मलिक का, आप इनके पास से परचेस कर सकते हैं, ये ऑफिशियल इसके इंडिया के अंदर डीलर है और बहुत ही कम प्राइस में देंगे। अगर आप एशिया टेलीकॉम के सब्सक्राइबर है या एशिया टेलीकॉम के स्टूडेंट है तो बाहर मार्केट में जितने में भी आपको मिलेगा उससे 200-300 रुपए ये कम में आपको देंगे, आप चाहे तो उनसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये टूल जरूर खरीदिए, बहुत ही अच्छा है, इसके अंदर आपको लाइनों की सप्लाईयों की नॉलेज दी गई है, आप इजीली फॉल्ट को फाइंड कर सकते हैं, वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, उसे ट्रेस कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है। डेमो भी इन्होंने पहले दिया है लेकिन डेमो में ज्यादा उसके अंदर स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है, लेकिन आपको अगर प्रॉपर काम करना है तो प्रॉपर परचेस ही करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बहुत हेल्पफुल होने वाला है, शायद ही आपको इस तरह के वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो बारे में। जैसा आप देख रहे हैं, ये मेरे पास इसका ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो गूगल पे जाना है आपको और बोर्नियो का आपको सेटअप मिल जाएगा, वो सेटअप आप जाके यहाँ पे गूगल में जाके डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। बोर्नियो लिखना है यहाँ पे आपको, तो जैसे ही आप लिखोगे
जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्नियो स्कीमेटिक, तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट होगी, कहीं से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बोर्नियो स्कीमेटिक यहाँ पे देख सकते हैं, बोर्नियो स्कीमेटिक .com। तो यहाँ पे इसका सेटअप मिल जाएगा और इसे इंस्टॉल करने के बाद इसको आपको एक्टिवेट करना है और ये परचेस करना पड़ेगा। 1 ईयर के लिए आपको मिल जाएगा ये करीब करीब 5,000 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे डाउनलोड जो दिख रहा है आपको, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यहाँ से डेमो वर्जन चाहिए तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे गूगल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन के लिए यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और यहाँ पे आने के बाद में लिंक जो है बोर्नियो की, यहाँ पे नीचे आपको लिंक मिल जाएगी यहाँ पे। और ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये पासवर्ड है इसका, क्योंकि ये डाउनलोड होने के बाद एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये फाइल ये पासवर्ड आप क्लिक करेंगे और इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, और अगर आपके पास डाउनलोड नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और ये इसका एक्सट्रैक्ट करने के लिए पासवर्ड दे दिया गया है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके पास सेटअप आ जाएगा इस तरह का, इस तरह का सेटअप आ जाएगा। और इसके लिए इंटरनेट बहुत जरूरी है, विदाउट इंटरनेट ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और इसे रन करेंगे, यहाँ पे यस क्लिक करना है। तो इसके अंदर बहुत सारे हार्डवेयर सोल्यूशन है और यहाँ पे देखिए पहली बार आप इसे रजिस्टर करेंगे, तो यहाँ पे रजिस्टर पे जाना है और यहाँ पे नाम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और एक्टिवेशन कोड इस तरह से आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लॉगिन करते हैं, अगर आपने ऑलरेडी बना लिया है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, इस तरह का इंटरफेस है इसका। और इसके अंदर अपने को हार्डवेयर सोल्यूशन प्लस स्कीमेटिक डायग्राम दोनों भी इसमें मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही अच्छा ये काम भी करता है और इसमें बहुत अच्छे सोल्यूशन दे दिए गए हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन प्लस स्कीमेटिक डायग्राम। अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम चाहिए तो इतने सारे इसमें स्कीमेटिक डायग्राम है, देख सकते हैं। आईफोन के भी इसमें है, लेनोवो, लावा, आईटेल, मिजो के इसमें है, मोटोरोला, नोकिया, ओप्पो के काफी सारे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो के अंदर इतने सारे, ओप्पो के अंदर आपको F सीरीज है, F9, F5, F3 प्लस, F1S प्लस। लेटेस्ट की अगर बात करें तो रियलमी के, रियलमी 1, रियलमी 1S 2, रियलमी 3, रियलमी C2 का भी इसके अंदर दे दिया गया है स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ही हेल्प होगी। और साथ ही साथ वन प्लस और सैमसंग के काफी है, और व्यूओ और शॉमी की अगर बात करें तो शॉमी में इतने सारे इसमें दे दिए गए हैं आपको, करीब करीब 40-50 इसमें स्कीमेटिक डायग्राम है। शॉमी के, एमआई के, 7A हो गया, 6A, 6 प्रो, 5, 5 प्लस, और देख सकते हैं यहाँ पे रेडमी के 30, के 20, ये सब यहाँ पे दे दिए गए हैं। और लेटेस्ट में भी यहाँ पे 8 प्रो, रेडमी नोट 7 प्रो, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 6 प्रो। तो इसमें बहुत सारे स्कीमेटिक डायग्राम है, तो बहुत ही आपको ये हेल्प होगा। अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ने नहीं आता है और डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए, तो डायरेक्ट सोल्यूशन आपको इसमें ओप्पो के मिल जाएंगे, सैमसंग के मिल जाएंगे और शॉमी के मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं शॉमी में जाते हैं और शॉमी में लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि 6A हैंडसेट है, तो इसमें ये डायरेक्ट सोल्यूशन है, पीडीएफ डायरेक्ट बना दिया गया है। अगर मुझे यहाँ पे आपको बात करें यहाँ पे चार्जिंग सेक्शन, ये देखिए चार्जिंग का जो डाटा दिख रहा है, ये चार्जिंग, नेटवर्क नहीं आ रहा तो नेटवर्क के लिए भी दे दिया गया है, हैंड फ्री, एलसीडी के लिए, डिस्प्ले लाइट वगैरह के लिए। तो यहाँ पे मैं चार्जिंग के इनपुट और आउटपुट के लिए अगर बात करूं तो इसे मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूं। और यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको दिख जाएगा कि इनपुट सप्लाई क्या है, आउटपुट क्या है। तो अभी थोड़ा सा इसे जूम करते हैं, यहाँ पे ऊपर जाना है, यहाँ प्लस पे आप क्लिक करेंगे तो ये जूम होगा, और यहाँ पे माइनस जो है ये जूम आउट होगा। तो जूम इन करते हैं, जूम इन मतलब थोड़ा सा बड़ा करते हैं पिक्चर को। देखिए ये क्लियरिटी जो है और अच्छी होती रहेगी, जितना आप जूम करेंगे उतना अच्छा क्लियर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नीचे का कनेक्टर है हमारा और ये बैटरी कनेक्टर है। तो जो वीबस की लाइन होती है, जो नीचे से हमारा जो नीचे का बोर्ड होता है जिसे सब बोर्ड बोलते हैं, वहां से आपका जैसे आप चार्जर लगाते हो तो यहाँ पे पिन नंबर, ये सामने के ये दो पिन और ऊपर के कनेक्टर के दो पिन, इस कैपेसिटर के थ्रू होते हो यहाँ पे इन होंगे। तो ये जो लाइन है हमारी, ये सीधा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसका नाम। तो ये क्या लाइन है अगर आपको देखना है, जानना है, तो और ज्यादा जूम करना पड़ेगा। जितना ज्यादा जूम करोगे आप उतना ज्यादा देखिए, जैसे कि मैंने बताया वीबस है ये, जहां पे आपको 4 से 5 वोल्ट मिल जाएगा देखने को।
देखो, तो ये 5 वोल्ट इन होता है चार्जिंग चार्जर से आपके, तो ये वी बस यानी कि आपकी वी चार्ज भी बोलते हैं इसे, यूएसबी इन। जैसे आप चार्जर लगाओगे तो ये रेड कलर की जो लाइन है आप चार्जर लगाने से, सब बोर्ड जो नीचे का बोर्ड होता है, नीचे के बोर्ड से आपको इस वाले कनेक्टर के 1 नंबर 2 नंबर और 29 और 30, तो आपकी पहले ये देखना है इनपुट चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, चार्जिंग शो नहीं हो रहा है, चार्जिंग डिटेक्ट नहीं कर रहा है, चार्जिंग नहीं हो रहा है मोबाइल, तो नीचे क्या सब बोर्ड आप डायरेक्ट चेंज कर देते हो। तो डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, देखिए अगर नीचे के बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, बोर्ड में ऊपर के जो मेन बोर्ड है, मेन पीसीबी में प्रॉब्लम है, तो आप सब बोर्ड चेंज करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो आप जैसे चार्जर लगाओगे तो इन कैपेसिटर पे, ये कैपेसिटर पे आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप कनेक्टर अगर लगा दोगे, नीचे का जो पत्ता होता है, नीचे के जो सब बोर्ड से जो पत्ता आ रहा है वो आप इस पे लगा दोगे तो आपको चेक करने नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक नोस्कट पॉइंट दे दिया गया है, ये जो टिप्स टीपी बोलते हैं इसे, टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ भी आप 5 वोल्ट चेक कर सकते हैं या फिर इस कैपेसिटर पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2 और 29 और 30 पे आपको वी बस यानी कि आपके चार्जिंग के 5 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए, और उस कनेक्टर से होते हुए ये जा रहा है अपनी चार्जिंग ऐसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं होते हुए यहाँ पे बीच में यहाँ पे एक हाई वैल्यू रजिस्टर है जो कि पैरेलल में लगा हुआ है, और उसके बाद देखिए R1330 जो कि 47 किलो ओम्स का रजिस्टर है जो कि 50 किलो ओम्स के करीब करीब। उसके बाद यहाँ पे एक आईसी दे दी गई है जिसे ओवीपी भी आप बोल सकते हैं, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। 3 इसके इनपुट है और 3 आउटपुट है। अगर आप चाहो तो इसे बाईपास भी कर सकते हैं इस आईसी को, ये रेडमी 5A में भी मिलेगी और बहुत सारे हैंडसेट में आपको मिलेगी। ये ओवीपी बोलते हैं इसे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, 5 वोल्ट इन होंगे तो 5 वोल्ट ही आउट होंगे। अगर ये आईसी आपकी खराब हो जाती है तब भी आपकी चार्जिंग नहीं होगी, तो इस आईसी को निकाल के यहाँ पे ये 2 पिन को आपको आपस में जोड़ना होगा ताकि जो इन हो रहा है वोल्टेज इस यहाँ से आउट हो जाए। तो यहाँ पे बीच में एक टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक टिप्स है, उसके बाद यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने नीचे इस तरह का बनाया हुआ है, और यहाँ पे एक कैपेसिटर के थ्रू होते हुए जो कि पैरेलल में लगा है, और यहाँ से ये देखिए ये जाएगा आपका यहाँ से होते हुए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में आपको सीरीज में 2 रजिस्टर मिलेंगे, एक 330 किलो ओम्स का और एक 7.5 किलो ओम्स का। तो यहाँ से ये सीरीज में 2 रजिस्टर मिलेंगे और होते हुए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चार्जिंग ऐसी है इसकी, MI 6A हैंडसेट है, Redmi 6A। तो यहाँ पे वी बस जो इन हो रहा है यहाँ पे इन दो बॉल पे, देखिए वी बस जो इन हो रहा है इन दो बॉल पे इन हो रहा है। उसके बाद उसी के बिल्कुल बाजू में देखिए ये आईसी जो हमारी चार्जिंग आईसी है, और ये जो आउटपुट हो रहा है आपका यहां से, ये देखिए वी बैट यानी ये बैटरी के लिए वोल्टेज निकल रहे हैं, और ये जो है चार्जिंग के इनपुट यहाँ से हो रहे हैं। बाकी दूसरे और भी सप्लाई है इसमें अगर बात करें तो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है वी बैट की लाइन यहाँ से होते हुए ये जाएगी, ये देखिए बैटरी कनेक्टर पे जाएगी आपके, तो ये देखिए डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पे, देखिए वी बैट यानी वोल्टेज फॉर बैटरी, और ये सीधा जा रही है हमारे, ये देखिए यहाँ पे यहाँ से होते हुए ये देखिए बैटरी कनेक्टर के एक और ये 11 नंबर। तो यहाँ पे ये 2 सामने के जो पिन है इन 2 पिन पे बैटरी पे वोल्टेज जा रहा है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए, इसमें काफी सारे सोल्यूशन है, अगर आप देखना चाहे तो इसे लेना चाहे तो ले सकते हैं, और ये डायरेक्ट आपको बहुत ही अच्छा डायरेक्ट सोल्यूशन है, हार्डवेयर का जो बहुत अच्छा सोल्यूशन है, आप डायरेक्ट रिपेयर कर सकते हैं, किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं है, कहीं पे सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये लोग पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं वीबेट का एक यहाँ पे टीपी भी बना है, इसके थ्रू होते हैं यहाँ तक ये पहुंच रहा है। तो इस तरह से कैमरा सोल्यूशन हो गया या लाइट सोल्यूशन हो गया, नेटवर्क चार्जिंग वाईफाई और बहुत सारे हैंडसेट है, 5A 6A 4A जो रनिंग मॉडल है उन रनिंग मॉडल का इन्होंने बनाया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा, जो टेक्नीशियन भाई है जो दुकान में काम कर रहे हैं तो ये जरूर आप परचेस करिए Redmi 6 से। देखिए कैमरा काम नहीं कर रहा तो कैमरे के बारे में सारी सप्लाई इन्होंने दे दी है कि सीपीयू से क्या क्या यहाँ पे इसकी सप्लाई आ रही है, मीपी लाइन क्या आ रही है, सिग्नल्स क्या आ रहे हैं, I2C लाइन है या SPI प्रोटोकॉल है, क्या है, कितने वोल्टेज आ रहे हैं, कहाँ से वोल्टेज आ रहे हैं, वोल्टेज नहीं आ रहे तो आपको कौन सी आईसी बदलनी है, सिग्नल नहीं आ रहे तो कौन से कहाँ पे काम करना है, बीच में अगर लाइन ब्रेक है तो कौन से कंपोनेंट बीच में लगे हैं, ये सारे सोल्यूशन इसके अंदर है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है आपके लिए। तो इसी तरह से आप बहुत सारे इसमें मॉडल्स हैं, कोई भी आप देख सकते हैं।
और भी इसमें डिटेलिंग है, और भी इसके ऊपर वीडियोस अपलोड करेंगे हमारे चैनल पे, अलग अलग हैंडसेट को लेके, अलग अलग सेक्शन को लेके। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, एशिया टेलीकॉम के ऑफिशियल चैनल पे, चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, देवरत्न अग्रवाल चैनल को सब्सक्राइब करिए, स्मार्ट टेलीकॉम और स्मार्ट टेलीकॉम वन, और मेरा जो चैनल है टेक्निकल फिरोज, मुझे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे कमेंट करना ना भूलें कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।